हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 8 बज गए, मैं नहा के आ चुकी हूँ। परी ट्यूशन चली गई है, आज मैंने बाल धोए थे तो बाल अभी तक गीले हैं, सूखे नहीं है। और आज मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है, अभी तक मैंने पूजा नहीं किया है, तो फिर मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर किचन के कामों में लग जाऊँगी। और आज मैं फर्स्ट टाइम साड़ी पहन के ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आप लोग बताना साड़ी में कैसी लगती हूँ मैं। बाबू को बहुत पसंद है परी को, पर यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, इसके लिए मैं पहन नहीं पाती। बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मंदिर को अच्छे से क्लीन करूँगी। मंदिर क्लीन करने के लिए मैं जब मंदिर जिस दिन मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, उस दिन पूरे भगवान जी को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद पूरा मंदिर अच्छे से पोछ लेती हूँ, उसके बाद भगवान जी को नहलाती हूँ, उनको पोछती हूँ, जो पोछने वाला है उसको पोछती हूँ, जितनी मूर्ति है मिट्टी वाली उसको नहला देती हूँ पानी डाल के, फिर पूजा करती हूँ। 5 दिन से मंदिर बंद था, एक्चुअली मैं पूजा नहीं की थी मंदिर में, पूजा नहीं करना था मुझे, तो अभी आज वो सफाई करके फिर मैं अच्छे से पूजा फिर करूँगी। बस यहाँ पे मेरा पूजा करके हो गया है, मेरे भगवान जी भी नहा धो के बैठ गए हैं, बिल्कुल नए नए दिख रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे हस्बैंड का टिफिन रेडी कर रही हूँ। आज मैं सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ, उसके लिए वही मसाला सारा पेस्ट बना ली हूँ, उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाली हूँ। जब वो अच्छे से भून जाएगा तो उसमें सोयाबीन डाल दूंगी। सोयाबीन मैं पहले से भिगा के रख दी थी गर्म पानी में, उसके बाद उसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर ली हूँ, उसके बाद उसको इसमें डाली हूँ, साथ में नमक डाल दूंगी। हल्का सा मैं इसमें ग्रेवी पानी डालूंगी, ग्रेवी चाहिए हल्का सा मुझे, तो थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। बस सब्जी बन के रेडी हो गया है। उसके बाद मैं लंच बनाने लग गई हूँ, लंच में दाल चावल बनने रख दिया है, भाजी काट रही हूँ। आज भाजी में करेले की बन रही है, करेले की भाजी बन रही है। तब तक परी भी ट्यूशन से आ गई है तो मस्ती कर रही है। जब परी ट्यूशन से आती है या स्कूल से आती तो थोड़ी देर बहुत मस्ती करती है, ऐसा लगता है कहीं उसको किसी ने बंद करके रखा था, वो छोड़ दिया है, अभी इतना मस्ती करती, बहुत खुश हो जाती है उसको, एकदम ऐसा लगता है वो कितनी फ्री हो गई है, बिल्कुल मस्ती कर रही है। थोड़ी देर ऐसे ही मस्ती करेगी, उसके बाद फिर शांत हो जाएगी, फिर नाश्ता करेगी, कुछ टाइम ऐसे ही चालू रहेगा उसका मस्ती। वो कैमरे में कुछ बोल रही थी पर वो ऊपर था, कैमरे तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो इसके लिए वो दिख नहीं रही। गाइस मैजिक देखिए, मैंने ये कलर लाया है गोल्डन, मैजिक करके व्हाइट कलर ला के दिखाऊं, देखो गाइस मैजिक व्हाइट कलर, मैजिक व्हाइट। अब 1 मिनट में दूसरा कलर गाइस देखो, मैजिक 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 कलर कलर मंत्र काली हो जाए कलर व्हाइट ब्लू, ये दिखा गाइस, व्हाइट 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 ये दिखा गाइस। नाश्ता गाइस, मम्मी से मेरे को कांदा नहीं दी, मम्मी कांदा दो, मम्मी कांदा दो,
बस परी नाश्ता करने बैठ गई है। आज परी नाश्ते में रोटी और सब्जी खा रही है। उसको सोयाबीन की सब्जी पसंद है तो रोटी सब्जी अपने हाथ से बैठ के खा लेगी। नहीं पसंद रहती सब्जी तो फिर मुझे खिलाना पड़ता है, फिर वो अपने हाथ से बैठ के नहीं खाती है। उसके बाद हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं तो मैं बिस्तर सही कर लूँगी। सुबह काम की बहुत जल्दी रहती है, जितना काम करो कम होता है, फटाफट काम निपटा लूँगी। मुझे भी ऐसा लगता है फटाफट काम कर लो, फिर बैठ जाओ तो आलस आ जाती है, फिर मन नहीं होता काम करने का। इसके लिए मैं सोचती हूँ सारा काम एक बार मैं निपटा लूँ फिर आराम से बैठूँ। तो मैं यहाँ पे बेड बना रही हूँ, बेड बना दूँगी अच्छे से। बेड बनाती हूँ, बस थोड़ी देर वो सही रहता है, उसके बाद तो परी उस पर मस्ती करती है, उसका कूदना खेलना सब वो बिगड़ ही जाता है, कुछ चद्दर जगह पे नहीं रहता है। पर बनाती हूँ सुबह तो वो करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत गंदा दिखता है, बार बार वो मुझे करना पड़ता है। जब तक घर पे रहती है परी, फिर मैं दिन में 10 बार तो मैं चद्दर सही करती हूँ, फिर भी वो सही नहीं रहता है। अभी वो नाश्ता कर रही थी इसके लिए दिख नहीं रही है, शांत होके बैठ के खा रही है अपना, नहीं तो अब तक 2 बार तो आ गई होती, जंप लगा के गई होती बिस्तर पे। ये परी का फेवरेट कंबल है, पर यही ओढ़ के सोती है, उसको ये बहुत पसंद है, इसके लिए ये भी रख देती हूँ मैं। उसको इसमें पता नहीं क्या पसंद है, पर उसको वही चाहिए रहता, बोलती मम्मा ये मुझे बहुत पसंद है, मैं यही ओढ़ूंगी, ये किसी को मत दिया करो, पापा को तो बिल्कुल मत दिया करो। इसके बाद कल के कपड़े डाले हुए थे तो सूख गए, तो कपड़े को मैं उतार लूंगी। सब कल के कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, रात को सूखे नहीं थे तो इसके लिए मैंने उतारी थी, अभी सूख गए हैं तो इसको उतारूंगी, फिर दूसरा कपड़ा सूखने को डाल दूंगी। सुबह से धो के रखे हैं, अभी तक डाली नहीं। कपड़े उतार दी हूँ जो सूख गए थे, जो नहीं सूखे वो बगल में डाले हुए हैं, उनको बाद में उतार लूँगी। बाकी सारे कपड़े धो के डाल दूँगी, धो के रखे थे वो, उसके पानी निकल गए हैं तो उसको डाल दूँगी। मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है तो कपड़े सूखने में भी टाइम लगता है, सारे कपड़े को फटाफट डाल दूँगी सूखने को। उसके बाद जो कपड़े सूख गए थे उसको फोल्ड कर लूँगी, उसका तह बनाकर उसको उसकी जगह पर रख दूँगी। ये काम तो बहुत भारी है, अगर रख दो तो फिर एक साइड में रखा रह जाता है। उसके बाद परी को मैं स्कूल लेके चली गई, परी को स्कूल छोड़ के आऊँगी। आज परी स्कूल जा रही थी, बाबू का पैर मेरे फिसला और गिर गई। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जो कि बिल्कुल फ्री है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।